सरयतु सरस्वती महाभाग वरदे कामद्रो विश्वरूपी विशालाक्ष विद्यां दे परमेश्वर गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरं करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमत्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृंदावन सोवन नहीं नंदिगाम सोगाम राधा सी गोरी नहीं तो कृष्ण नाम सोना हाँ कृष्ण नाम सोना। आइएगा खड़े ऊपर आरती करेंगे सही प्रेम से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला श्री भागवत भगवान की है।
भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। वस्ती माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो जय हर वीर बाबा की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी प्रेम से भगवान की आरती लेंगे और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाए सभी। आइए आज बाल कृष्ण भगवान की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं आप और हम। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे दो मिनट। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल संत भगवान की जय जय श्री राधे। कल भगवान बालकृष्ण जी का अवतार हुआ और स्वामी सुखदेव जी ने आज बड़ा अच्छा कहा है, राजा परीक्षित आप जो चाहते थे ना वही हो रहा है, अब तुम्हारे भगवान की बाल लीलाएं होंगी भैया, और ध्यान से और प्रेम से आनंद भरी लीलाओं का तुम्हें आनंद लेना। ब्रजवासी बड़े आनंद से धूम मचा रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कितनी खुशियां देती है। वाकई में आनंद समा रहा है नंद बाबा के यहां पर। जिन नंद बाबा की अंगना में देवी देवता ऋषिवर मुनिवर तरुवर ब्राह्मण संत इकट्ठे हो गए और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके घर में ब्राह्मण या संत पधारे वो भाग्यवान होता है, उसके तो भाग्य ही उदय हो जाते हैं, और यहाँ नंद बाबा के तो आनंद ही आनंद आ रहे हैं भैया, क्योंकि आनंद महासागर इनके यहाँ उत्पन्न होकर के आ गया, प्रकट होकर के आ गया। और वह जैसे के बताया कंस ने जब वह पुत्री को उनकी को पकड़ के मारना चाहा तो उसने आकाश मार्ग में उड़ के कहा था तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं यह कंस बड़ा परेशान हो रहा है, और देखिए इसने बहुत बड़ी आपत्ति होती है ना, उस आपत्ति सभा को बुलाया है जो कि बहुत बड़ी आपत्ति के समय पर बुलाई जाएगी,
और उसमें निर्णय किया गया है कि अवतार हो गया है मेरे काल का। तो वहां निर्णय किया भैया पूतना को बुला करके ना ब्रज में भेज दो, अवतार अगर हो गया है तो अभी वो छोटा बच्चा ही तो होगा, इसलिए सब ब्रज में रहने वाले जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको मार डाले। आज तक जितने बालक हुए हैं आज से 10 दिन तक जितने बच्चे हुए सबका वध कर दिया जाए, और ऐसा पूतना को आदेश दिया गया है। लेकिन उधर देखा जा रहा है इस उत्सव में आनंद इतना समा रहा है कि पता नहीं चल पाया कि कब दिन गुजर गए और आज लाला के छठी का दिन आ गया। नंद बाबा ने सोचा आज मेरे पुत्र का छठी का दिन है तो मैं इसके लिए कुछ भेंट लेकर के मथुरा से आऊं, और मुझे कंस का कर भी देना है इसलिए मैं उस कर को भी दे दूंगा और वहां से स्वर्ण मैं खिलौने बनवा के लाऊंगा, तो आज अपने लाला को मैं भेंट में दूंगा वो। और इस विचार से आज नंद बाबा जो हैं बेचारे मथुरा चले गए। लेकिन ये बाल घातनी पूतना कंस का आदेश पाकर के ब्रज मंडल में घूम रही है, और स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है भैया आज साचे चरे कदो पित्य पूतनानंद गोकुलम यो यस्त्वा मायायात्ममानं प्राविशतं कामचारिणी। पूतना वासना का प्रतीक है, काम का प्रतीक पूतना। और देखिए आज ये गोकुल नगर में आ पहुंची है, और गोकुल में आकर किसने देखा है कि नंद बाबा के महल में बहुत भीड़ हो रही है। आज छठी का दिन है ना, इसलिए बहुत सी जो ग्वालिन हैं गोपियां हैं आज मैया को बधाई देने के लिए आ रही हैं, और मैया से नेग भी लेना है, अनाना प्रकार के भाट आदि लोग माता यशोदा के दरवाजे पर भीड़ लगा करके आनंदित हो रहे हैं। और इतना बड़ा उत्सव देख करके आज इस भीड़ को देख करके इस पूतना के मन में आया है चल करके देखती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन यह पूतना राक्षसी है, और देखिए इसने भेष बदला है इस नंद के भवन में जाने के लिए, और आज बड़ा सुंदर सा रूप धारण किया इसने, इतना सुगण रूप इतना सुंदर रूप धारण किया है जिसे कोई देख लेता वही मुग्ध हो जाता है। और जब ये इस प्रकार से जा रही है सही धज करके सुंदर सा रूप बनाकर तो किसी गोपी ग्वाल ने इसे रोकने का प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि वो जान रहे हैं बेचारे इतने मग्ध मुग्ध हो रहे हैं उसे देख करके, वो समझ रहे हैं कि यशोदा रानी की कोई खास है कोई रिश्तेदार है, क्योंकि यशोदा के महल में जा रहा है या तो इसलिए कोई ना कोई उसका अपना खास होगा, अगर हमने पूछ लिया रोक लिया तो बुरा ना लग जाए और यशोदा मैया से शिकायत न कर दी जाए, इसलिए ये बेचारे कोई भी इसे पूछ नहीं रहे कि तू कौन है कहां से आई है क्या नाम है क्या काम है तुझे। और सुखदेव स्वामी ने कहा इसी प्रकार से यह पूतना आज नंद महल में पहुंच गई है यशोदा मैया के पास, और मैया यशोदा आज अपने लाला को पालने में खिला रही है, और देखिए बड़ी प्रसन्न है आज बुढ़ापे की अवस्था में लाला हुआ है मैया, और क्यों ना प्रसन्न हो। इसलिए आप देखिएगा ये पूतना जाकर के वहीं बैठ गई है। मैया ने पूछा कौन हो तुम कहां से आई हो, पूतना ने उपहास में कहा उसे देख तू मुझे भूल गई है लेकिन मैं तुझे नहीं भूली। और सुन यशोदा जब धनवान हो जाते हैं और पुत्र जैसे रत्न की प्राप्ति हो जाती है ना तो फिर कहां हम जैसों को याद किया जाता है, तू हमें क्यों याद करेगी। यशोदा मैया कहने लगी बहन ऐसी कोई बात नहीं है बुढ़ापा आ गया थोड़ा सा तो पहचान में थोड़ी कमी भी हो गई हो, कभी कहां मिले कैसे मिले कोई पता नहीं है, बता कौन हो तुम। पूतना ने बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता बनाया है, मैं तेरे मामा के मौसी की बहन की छोरी हूं। अब बेचारी पूतना ने जब इतना लंबा चौड़ा रिश्ता बनाया अब या करके ऐसे कोई हमसे कह दे हमारे घर पर कभी ना देखा हो कभी कोई परिचय ना हो कभी ना मिले हो
इस प्रकार से आकर के कहे तो हमारा धनुम बनता है अतिथि देवो भव। रिश्तेदारी तो है, कहीं से भी निकाल रहा है, लेकिन है तो उसका सम्मान करना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा दूर की सही, लेकिन मेरी ये रिश्तेदार है, बहन जैसी लग रही है और इस मौके पर आ गई है, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा मुझे। इसलिए यशोदा मैया ने देखा कि बहुत भीड़ है, क्योंकि माँ यशोदा का इंतजार कर रही है। ब्रज ग्वाले सखियां गोपियां ग्वाल भाट आदि लोग। तो मैया ने कहा तू रिश्तेदार है मेरी, और ऐसे अवसर पर जो रिश्तेदार आते हैं ना, उनका एक नियम, उनका एक काम होता है। उतना करने लगी, मैं जान रही हूँ जिस काम के लिए तू कह रही है। मैया यशोदा ने कहा समझ गई है, तो पर एक काम करना है, बहुत अच्छी तरह से रखवाली करनी है मेरे पुत्र की। उतना ने कहा आज के बाद मैं तुझे रखवाली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसी रखवाली करूंगा। लेकिन मैया यशोदा तो भूली, वह समझ ही नहीं पाई क्या कह रही है ये। और आप देखिए पूतना को लाला की जिम्मेदारी में सौंप दिया है, और वह स्वयं मैया यशोदा कार्यभार में लग गई है। सज्जनों एक बात का ध्यान रखना है, जब जब यह संसार का जीव परमात्मा को छोड़ करके व्यसनों में जाता है ना, तभी तभी संकट रूपी पूतना आती है। यह पूतना क्या, यह पूतना है एक संकट। और जब यह संसार का जो जीव है परमात्मा को छोड़ करके सांसारिक व्यसनों में फंसा रहता है, अपने सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, और वो भगवान को पल भर भी याद नहीं करता, तो उसके जीवन में संकट आना या पूतना का आना अनिवार्य होता है। और निश्चित रूप से यह पूतना देखिए आज लाला को पालने को लेकर के खिला रही है। लेकिन जब पूतना ने कन्हैया की ओर देखा है ना, तो ब्रजवासी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नेत्रों को बंद कर रखा है। अब नेत्रों को बंद क्यों किया है कन्हैया ने? क्या पूतना को देख करके डर गए हो? किसी ने कहा कोई बात नहीं, डर भी जाए तो क्या, छोटा सा बालक है भाई, 6 दिन के हुए अभी। उन्हें कहा डर नहीं सकते भाई, तो क्यों? क्योंकि ये पूतना है ना, इसके स्तनों से कालकूट विष लगा हुआ है। ये पूतना कालकूट विष लगा करके आई है। और बड़ा सुंदर सुखदेव जी स्वामी ने कहा है कि इसके विष जो लगा है स्तनों से वो कौन सा है? अहो बकियम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष, जिघांसया पाय ददसाध्वी, लेभे गति धान युञ्जताम ततोयम्, कवा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान को मारने के लिए यह कालकूट विष लगा करके आज भगवान कन्हैया की ओर देख रही है, और उन्हें उठाने का पालने से प्रयास कर रही है। तभी ब्रज के रसिक संतों ने कहा भैया भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा नेत्र बंद डर के मारे किए हैं या वैसे ही कर लिए? उन्होंने कहा परमात्मा को डर किसका, लेकिन नेत्र बंद इसलिए कर लिए भैया, ये पूतना माया का भेष बना करके इस ब्रज मंडल में आई है। उनके जो घर पर आई है ना, ये माया का भेष, इसका असली भेष नहीं है, ये माया का भेष बना करके आई है ये पूतना। और यह स्वामी है माया के, जो यशोदा के लाला है, यह मायापति हैं, यह माया के स्वामी हैं। कोई भी माया हो लेकिन इनकी वह सेविका है, और जो माया का स्वामी हो उसके सामने माया क्या करेगी? इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया है। यहाँ मेरी मैया उस समय लगी हुई है, और अगर मैंने अपनी दृष्टि डाल करके इस पापनी को देख लिया तो इसकी सारी माया नष्ट यहीं हो जाएगी, और यहाँ सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए इस खेल को न बिगड़ने दिया जाए। कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर रखा है, हम देखेंगे तो ये जो करना है पर। लेकिन उसने उठा लिया, पालने से उठा करके अपने स्तनों से लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा भी नहीं मानेंगे, और जब स्तनों से लगा लिया कन्हैया को, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, जब तुम हमारे पास में आई हो भव से पार होने के लिए, तो हम आपको ऐसा ही। और देखिए स्तनों के द्वारा आज भगवान ने वह विष पान कर लिया है। रक्त का पान कर पूतना के प्राणों को पय को पान लिया, और स्तनों से चिपके हुए ही कन्हैया ने जब पूतना के प्राण खींचना प्रारंभ किया तो यह चिल्लाने लगा, और यह चिल्लाती हुई कन्हैया को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ गई।
और आकाश मार्ग में चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, छोड़ दो मुझे, अरे लाला छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे ओ कृष्ण छोड़ दो मुझे। भगवान मुस्कुरा करके कह रहे हैं, मौसी मेरी मैया ने अभी मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। अभी मैंने पकड़ना ही सीखा, छोड़ना नहीं सीखा है, और मैं छोड़ कैसे दूं तुझे, इसलिए मैं नहीं छोड़ता, मेरा नियम है। और पूतना चिल्ला करके कह रही है, मैं नहीं जानती थी कि तुम भगवान हो, परमात्मा हो, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें छोटा बालक समझा था, लेकिन आज वही भगवान कह रहे हैं, अगर भगवान समझ लिया है तूने अब तो। प्रिय भगवान का नियम होता है, शरण में आए हुए व्यक्ति को भव से पार करना। आज तू मेरी शरण में आ गई है ना पूतना, तो तुझे दुनिया के इस झंझट से, दुनिया के इस जंजाल से समाप्त करके भव से पार कर दूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने किया है, उसके प्राणों को खींच करके उसे मुक्ति प्रदान कर। लेकिन ये अपने स्वरूप में आ चुकी है पूतना, और विकराल रूप पूतना का ब्रजमंडल में आकर के गिरा है ना। बड़ी कमाल की बात है, ब्रज रसिकों ने गाया यहाँ पर, भैया पूतना को इतना बड़ो शरीर, जब हमारे लाला ने बाकू मारो ना, तो पता है जाको बाकू जब शरीर नीचे आकर के गिरो तो भैया बाकी हाथ गिरे जाकर हाथरस में, कान गिरे जाकर कानपुर में, पैर गिरे जाकर पैगाम, मूड गिरो जाके मुरसान। इतना लंबो चौड़ो शरीर हमारे लाला ने बाकू नो झट से मार दिया। लेकिन स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, जब ब्रजमंडल में ये पूतना आकर के गिरी तो छह कोस के भीतर के वृक्ष लता पताओं को इसने जड़ से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, इतना विकराल रूप लेकर के आई और नीचे आकर के गिरी। वसुदेव जी से गरगा यह मिलना हुआ नंदराय जी का, तो आभास था वसुदेव जी को कि कोई घटना गोकुल में होने वाली है, तो वही बताया है नंदराज जी को, आप शीघ्र यहां से जाएं। तो बाबा जल्दी से यहां आकर के देख रहे हैं, उतने में तो वह सब कुछ हो ही गया। मैया पागलों की तरह भाग रही है, गोपियां बेचारी बेहाल हो रही हैं, यह हो क्या गया। और लेकिन अपने कन्हैया को ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंची, तो वह दोनों स्तनों के बीच में कन्हैया बड़े प्रेम से बैठे हुए खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माता यशोदा की ओर देख करके प्रसन्नचित्त भाव से मुस्कुराने लगे। मैया ने ना उस राक्षसी को ना देखा, लाला को उठाया, झट से गोद में लिया, भागना प्रारंभ किया। लेकिन देखो ब्रजवासियों की बात, मैया तो लाला को लेके भाग रही है, मेरो लाला बाल बाल बचो है, लेकिन ये ब्रजवासी मैया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, जानते हो परीक्षित, ये ब्रजवासी काय को भागना मैया के पीछे, अरे उन्हें तो वाकू देखना पूतना को का करना चाहिए, लाला को तो लेके मैया चले ही गई, लेकिन ब्रजवासी क्यों भाग रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, ये ब्रजवासी भाग रहे हैं मैया लाला को लेकर के घर में न घुस जाए, और पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, सुन मैया अगर तू लाला को लेके घर में घुस गई ना तो तेरे घर को हुक्का पानी छोड़ देंगे, और सुन सुन तो जो नए नए दिन आए दिन दावत खिलावे ना, तेरे घर में दावत भी न खाएं। भैया यशोदा की अलग ही ऐसी का बात है गई, भैया कि हमारे घर में तुम दावत ना खाओगे, हुक्का पानी छोड़ दोगे, पान की तेरो लाला है ना, ये राक्षसी को स्पर्श करके आयो है। तासू जब तक तू अपने लाला को ना अच्छे वेद मंत्री पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला करके जब तक पवित्र ना करा ले, तब तक घर में मत ले जाइयो, नहीं तो हम तेरे घर में ना जाएंगे। मैया यशोदा देख रही है, मेरो लाला बाल बाल बचो, इन्हें अपनी पड़िया देख लियो। लेकिन वही बेचारे उस प्रकार उस जमाने का नियम हुआ करता था, तो मैया यशोदा तुरंत अपने पैर रोक लेती है, और देखिए घर से बाहर ही लाला को वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किया जा रहा है, बड़ा पावन किया जा रहा है, जो दुनिया को एक पल मात्र में पवित्र करने वाला है, मुक्त करने वाला है, वह कन्हैया आज ब्राह्मणों के वेदों के द्वारा पवित्र हो रहा है, गंगी गाय के गौमूत्र से स्नान कराया है, आदि नाना प्रकार से लाला को पवित्र किया गया है। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। और स्वामी सुखदेव जी ने बड़े सुंदर कहा, भैया देखिए आज कैलाश से भगवान भोलेनाथ का मन कर गया है कि अब हमें अपने कन्हैया का अवतार हुआ है, तो
तो उनका दर्शन करने चलना चाहिए। और देखिए मैया यशोदा कह रही है आप कहां जा रहे हो, तो बाबा कहने लगे देखो हमारे आराध्य है ना, उन्होंने जन्म लिया है गोकुल में, वह लीला कर रहे हैं, तो मैं उनके बाल रूप का दर्शन करने जा रहा हूं। देखो मैया कहने लगी हमें उन्हें ले चलो। तो फिर भगवान भोलेनाथ कहने लगे देखो इस समय तो हमें ही दर्शन है जा, वही बहुत है, लेकिन तुम तो नारी हो कभी भी जाके दर्शन कर लोगी, इसलिए आज तो हमें ही जान दो। तुम देखे कि कैसे कहां चल रहे हो वहां पर, और देखिए भोले बाबा ने आ करके अलग जगा दिया है गोकुल की नगरों में, बड़े सुंदर भाव से राधे राधे बोले गोविंद भगवान की। दर्शन करवाए दे मैया अपने या लाल के, भोले बाबा कहने लगे हे माँ दर्शन करवाए दे मैया अपने या लाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया दर्श कराए दे मैया अपने या लाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। नंद गांव में आयो हरी और कैलाश को गज के, नंद गांव में आयो हरी और कैलाश को गज के, नंद गांव में आयो आयो अलख जगायो आके, अलख जगायो आके झोली उतार के, आओ दोनों हाथ में कुर्सी दे। स्वामी जी तुम्हारा चिमटा हुआ जे है ना, और ताली बजा के मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के।
रहे कि हे माँ अपने लल्ला के दर्शन करा दे। और माता यशोदा जी कहने लगी कि मैं लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी, लेकिन भोले बाबा कहने लगे अरे ऐसो जोगी नाऊ में मैया, अरे ऐसो जोगी नाऊ में मैया, जो घर घर अलख जगाऊ साकी तो ही बताऊ, साकी तो ही बताऊ मैया, साकी तो ही बताऊ, ऐसो जोगी नाऊ में मैया, ऐसो जोगी नाऊ में मैया, जो घर घर अलख जगाऊ साची तो ही बताऊ। लेकिन माँ दर्श कराए दे लल्ला के नहीं, दर्श कराए दे लल्ला के नहीं, यही पे धूनी रमाऊ, यही पे धूनी रमाऊ रमाऊ। डरती है क्यों तू मैया, डरती है क्यों तू मैया, जोगी के हाल से मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया, दर्शन कराए दे मैया अपने या लाल के, मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, गोपाल 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 गोपाल। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा ने आके अलग जगा दियो मैया, मैया कहने लगी काय को आयो बाबा। अब मैया के मन में यही भाव आयो काऊ ने कह दियो होगो यहाँ से गुजर रहो होगो, और का कह दियो पता है मैया के लाला भयो तो कुछ जो चाहिए सो ले। और देखिए बाबा ने आके अलग जगा दियो, मैया समझने लगी शायद है कि कछु लेने आयो तो हीरे मोती साल दो थाला भर करके लाई थाली में। अब बाबा कहने लगो देख मैया या की तो मेरे घर पर कोई कमी ना, मेरी झोलियों में ये भरे रहते हैं मैया। तो यशोदा मैया कहने लगी तेरी झोली में ये भरो रहे तो फिर काले हो। बाबा कहने लगे मैं तेरे लाला को मैंने सुना है तेरे लाला भयो है तो मैं तेरे लाला को दर्शन करने आया हूँ मैया, तू अपने लाला को दर्शन करा दे बस। यशोदा मैया कहने लगी हमारे लाला को दर्शन करने आया, अब हमारा लाला कोई भगवान थोड़ी है जो दर्शन करने आए है, इसलिए बाबा आप हमारे लाला का दर्शन क्यों करना चाहते हो, हम अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं करा सकते। मन में विचार कर रही है वो पूतना कितनी भयावनी थी और वो देखिएगा बोले गोविंद भगवान। अब यशोदा मैया ने कह दिया मैं अपने लाला को दर्शन तो को ना कराऊं, और बाबा कहने लगे देख मैया हम जब तक जाएंगे ना तब तक तू अपने लाला को दर्शन हमें ना करा। और देखिएगा आप जिद कर दी मैया ने दरवाजा लगा लो, बाबा ने अलग जगा दी। अब बोले बाबा कहने लगे भगवान कृष्ण से अपने घर में बैठे हो तुम और हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं और तुम अपना दर्शन भी ना करा रहे हमें। कन्हैया कहने लगे देखो बाबा बात कछु ऐसी है कि अभी हम जो है ना बहुत ही छोटे हैं और अगर तुम्हें हमारा दर्शन करना ना तो कुछ दिन के बाद में आ जाते हैं ना तो कोई रोक ना पाता, आज तो मैया जैसो जैसो करेगी वैसो वैसो ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो आपके दर्शनों के बगैर लौटना पड़ेगा क्या। कन्हैया जी ने कहा हो सकता है लौटना भी पड़े क्योंकि मैया बहुत ये ना दर्शन कराए बाबा। लेकिन भगवान कृष्ण को भोलेनाथ कह रहे हैं आप माया के स्वामी हैं, एक काम करो कोई ऐसी माया रच दो जिससे कि मैया आपका दर्शन मुझे करा दे।
भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है देखते हैं। देखिए आज भगवान नारायण ने आदेश दिया है योग माया को, गोकुल पधारो, तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ी है। और सुनो आज गोकुल में जाकर के योग माया व्रत गोपी बन करके आ गई है। और वही भगवान ने रोना प्रारंभ किया। आज स्वामी सुखदेव जी कह रहे देखियो राजा परीक्षित, तुम्हारे वह इष्ट है ना, तुम्हारे वह कृष्ण है ना, मात्र परमात्मा भोलेनाथ को वह दर्शन कराने के लिए रोने का नाटक कर रोने लगे जोर जोर से। साहब गोपियां भागी भागी आई बेचारी, नाना प्रकार से वह देख रही हैं। यशोदा मैया को पता चल गयो ना तो बहुत गाली सुनावेगी और बहुत जन कहा कहेगी। लेकिन लाला चुप ना आ रो काई प्रकार से भी, मैया ने देखो इतनी जोर से रो रहा कहा है वो या को? और गोपी से कहने लगी अरे हो कहा बात है गई कैसे परेशान भयो जी। लेकिन गोपियां कहने लगी देख मैया मैं तो कछु पतो ना, हमने तो खूब जोर लगायो लेकिन ये चुपई ना आ रो। मैया यशोदा ने कहा देखो या को काई की नजर लग गई और तुम यहाँ कोई और तो आवे ना, तुम ही आओ और ऐसी नजर गाड़ गाड़ के देखो याकू तुमने नजर लगा दी। तब तो का करना राई लाओ नॉन लाओ ये लाओ वो लाओ वही, अब तो नजर उतारने लगे सब। लाला की नजर उतर रही नाना प्रकार से नजर उतारी लेकिन वो चुप ही ना भयो। और फिर भी जब चुप ना आ ना तो आज वही व्रत गोपी आ गई जो योग माया है आकर के यशोदा के पास में बैठी और कहने लगी बहन तो कोई एक बात बताना चाहूं मैं। कहा मैं जब यहां से जा रही थी ना तेरे दरवाजे से गुजरती हुई तो मैंने देखा कि तेरे कन्हैया की तेरे लाला की रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने सोचा बालक है किसी न किसी कारण से रो रहा होगा, भूखा होगा, कुछ देर हो गई होगी। लेकिन मैं जब 2 घंटे के बाद लौट के आई हूं ना तो मैंने देखा अभी भी रो रहा है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। बुढ़ापे में तुझे यह एक लाला मिला है और यह भी अभी तक रो रहा है, यह चुप नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या परेशानी है, तूने यह जानने की का प्रयास नहीं किया? भैया यशोदा ने कहा मैं बहुत भली भांति जानती हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन पता नहीं है क्यों रो रहा है। तो देखिए आज वही युग माया बड़े धीरे से कह रही है, बुरा ना लगे तो एक बात कह दूं क्या, तेरे दरवाजे पर मैंने एक जोगी को बैठा देखा है, एक बाबा बैठा है अलग जगह। हाँ देख मैंने पहले गई जब भी देखा बैठा, बाद में देखा बैठा, अभी भी वही बैठा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई जादूगर, और मैया मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई ने कोई जादू तेरे लाला पे की हुआ। और यशोदा मैया तो तुम जानते हो नारी जाति का स्वभाव, धीरे से ही जब जैसे ही इतना कहना काफी था और तुरंत ही समझ गई कि हाँ वह जोगी दर्शन करने के लिए कह तो रहा था लेकिन अब क्या किया जाए, उसने ही कोई ना कोई जादू किया। एकदम से आज अपनी गोपियों को सखियों को सेविकाओं को आदेश किया शीघ्रता से जाओ और जल्दी जाकर के पकड़ लो बाबा चला ना जाए। गोपियां चारों ओर से बाबा को घेरे खड़ी। स्वामी सुखदेव जी ने कहा भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया अब क्या होगा कुछ पता नहीं। मैया यशोदा रानी आकर के बाबा से कहने लगी एक बात बताओ, तुम जादू टोना भी करनो जानो? बाबा कहने लगे जादू टोना हाँ। अब बाबा वो मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि ये जादू टोना करने वाला तो तेरे घर में बैठा है, मैं कहाँ जादू टोना करना जानू, ये सब पर जादू चलाने वाला तो तेरे ही घर में है मैया। लेकिन ये सुधा मैया कह रही हैं जल्दी बताओ जादू तो ना करनो जानो कछु। कन्हैया भीतर भीतर से कह रहा है कह दो जानते हैं। बाबा ने कहो क्यों ऐसा भी कहना पड़ेगा क्या, हम तो कछु जादू जाने ही ना। खाना कहने लगे दर्शन करना है तो कहना पड़ेगा। और एकदम से भगवान ने कहा हाँ मैया थोड़ा बहुत जाना तो तुमने मेरे लाला पे जो जादू किया है बाबा बाकू उतार ले। बोले बाबा कहने लगे हमने तो तुम पर कोई जादू ना किया, ये कहा नाटक चल रहा तुम्हारा। कन्हैया जी ने मन ही मन में कह दिया ठीक है कह दो क्यों उतार देंगे,
बाबा ने कहा मैया उतार देंगे। मैया ने कहा तो जल्दी उतार लो। बोले बाबा ने कहा मैया मैं जादू तो करना जानू लेकिन उतार तभी पाऊं जिस पे जादू की हो है ना वो मेरे पास में आ जाए। देखो अब बनेगी बात कन्हैया के दर्शन करने की। मैं जादू को तो उतार दूंगा लेकिन उतार तभी पाऊंगा जब जिस पे जादू की हो है ना वो मेरे पास में आ जाए। वो और मैया बड़ी भोली भाली बाने देखो कि अगर मैं या लाला को या के पास ना लाई तो वो रो तो ही रहेगा जादू तो रहेगा ही ना। और भागी भागी गई अनेक कपड़ों में वस्त्रों में लपेट करके कन्हैया को गोद में लेकर के आई। बाबा जल्दी जादू उतार ले तू अपने ब्रज ग्वाल वाल आते होंगे नंद बाबा भी उनके साथ आते होंगे बहुत ऊंची ऊंची लाठी उनके पास में और तू अपने जादू को उतार के जल्दी निकल जाए यहाँ से। लेकिन बाबा कहने लगे मैया ऐसे जादू ना उतरे हमारा तो फिर कैसे उतरेगा या कुछ साफ साफ बता देना। बाबा कहने लगे या कुछ वो अपनी गोद में दे दे और जैसे ही आज मैया ने गोद में दियो चारों ओर से घेर रखो है भैया। और कन्हैया जैसे ही परमात्मा कृष्ण ने अपने गोद में लेकर के नयनों से नयन लगाए। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है किसी कवि ने हर सो हर सो हर मिलकर नैना भय निहा या छब मेरे उर्वशों शंकर और गोपा। देवता लोग विमानों में चढ़कर के आकाश मार्ग में आनंद से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हरी से हर मिलकर नैना भय निहाल या छब मेरे और बसो शंकर और गोपाल। ये भगवान कृष्ण और महादेव की जो छवि का प्यारा दर्शन है देवता कहना ये हमारे हृदय में सदा के लिए बस जाए ये कभी निकले ना। ऐसा अद्भुत स्वरूप ऐसा अद्भुत आनंद आज गोद में जाते ही स्पर्श होते ही बिल्कुल चुप हो गया और इतनी जोर से किलकारी मार के हंसने लगो। यशोदा मैया माथे पे हाथ रख कहने लगी देखो हम कितनों सेवा चाकरी करने लगे और हमारी इतनी सेवा चाकरी इतने कुछ करने पर एक भी बार ना हंसो और या कि गोद में जाते ही ना इतनी जोर से हंस रहे इतनी जोर से हंस रहे जैसे कि कोई घनी बहुत प्रीति बहुत बड़ी रिश्तेदारी है आपके साथ में या के। और वह रिश्तेदारी को घनी प्रीति को कि मैया यशोदा का जाने के कौन सी वाली। अच्छा प्रीति तो है बहुत घना संबंध तो है लेकिन मैया को कहा पता कौन सा है। इसलिए आज लाला चुप है गए हंसने लगे। बाबा ने दर्शन किया बाल गोपाल कृष्ण का माधव का बहुत सुंदर अपने आराध्य भगवान नारायण की अवतार कृष्ण का दर्शन करके महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए और गदगद होते हुए आज मैया को लाला को दे दिया। मैया तेरो लाला चिरंजीव रहे सदा विजय श्री को वरदान मैया को दे रहा हूँ सदैव विजय पाता रहेगा ये। मैया कहने लगी वह तो सब ठीक है बाबा लेकिन तुम्हारी याद करके कभी रोने लगो तो फिर कहाँ पे मिलोगे। मैया यशोदा से बाबा कह रहे हैं देख मैया जहाँ तेरो लाला बैठ के नहावे ना या नाली और तेरे लाला के स्नान को जल जिस नाली में बह करके जाता है ना मैं उसी नाली में लोट लगाता हूँ मैं तो ऐसा हूँ इसका ये मेरा आराध्य है। मैया कहने लगी न जाने कहाँ बकरो ये बाबा अपने लाला को लेकर के चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की और देखिएगा आगे सुखदेव जी ने कहा है कन्हैया धीरे धीरे छह वर्ष छह महीने के हो गए। अब आप जानते हैं छह महीने का जब बालक हो जाता है ना तो उसे अन्न का ग्रास दिया जाता है और यह नंद महल में पालन होने वाले कृष्ण के आज ग्रास का समय है तो यह उत्सव छोटा मोटा नहीं हो सकता है। नंद बाबा ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ में उत्सव को किया है और नंद महल में भीड़ लगी है आज गोपियों की ग्वालों की बहुत बड़ी भीड़ लगी है और वहीं लाला सही धक्के के पालने में सोया हुआ है लेकिन आज इतनी भीड़ है कि यह पालनो है ना लाला को खिसका करके आगे अपने लिए जगह बना लेते हैं लोग और क्योंकि उन्हें जगह स्थान नहीं मिलता धीरे से पालना सरकायो और अपने लिए जगह बना ले ऐसे खिसकते खिसकते लाला को पालना सकट के नीचे जा पहुंचो। और देखिए कंस का भेजा हुआ दैत्य संकटासुर आ गया यहाँ और देखिए आकर के उसी पर बैठा है जिस पर बहुत सी मटकियां बहुत सा साधन
और वह लाला का पालना भी उसी के नीचे। स्वामी सुखदेव जी ने कहा वह सकटा सुर हसरा बैठा बैठा बताओ या छोटे से बालक कुमार ने हमें भेजो महाराज। इसे क्या है, ऐसे करके पैर से दबाऊंगा इसके ऊपर गिरेगा मर जाएगा बेचारा। और वही काम किया, जैसे दबाना चाहता है उसे और जैसे सकट वह नीचे की ओर चला आ रहा है। ठाकुर जी जैसे बालक खेलते हुए ऊपर पैर कर देता है ना, और वैसे खेलते खेलते ऊपर पैर किया, हल्का सा पैर उससे जैसे लगा आकाश में उड़ गया सब। और यह सक्तासुर की गोविंदा यहाँ से आकाश में उड़ा, ऊपर से नीचे आकर मटकियां गिरी ना। अभी तक तो किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जब मटकियां आकर के धड़ाम धड़ाम से गिरी ना, सभी लोग देखने लगे ये हुआ क्या। यशोदा मैया ने कहा भैया हवा भी नहीं चली, कोई तूफान नहीं आया, कोई वेग नहीं आया, तो फिर यह कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता है किसी को? मेरा लाला बाल बाल बचा है। लेकिन देखिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और कन्हैया ने सकटासुर नामक दैत्य का उद्धार कर दिया, ब्रजवासियों की सुरक्षा कर दी। उसके बाद में देखिएगा एक बार तृणाव्रत आया मारने के लिए, यह कंस का भेजा हुआ था। और देखिए ये भगवान यशोदा रानी लाला को गोद में डाल करके कुछ कार्य कर रही थी। मेरे प्रभु ने एक लीला की कि अपने वजन को बढ़ा दिया, और जब वजन को बढ़ा दिया है ना तो मैया को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण वजन बढ़ गया। अच्छा एक बात, पुत्र कितना भी बड़ा बलवान हो जाए और कितनी भी क्रियाएं करने लगे, कितनी भी कौशलता दिखाए, लेकिन माँ के अंदर कभी यह नहीं आता है कि यह इतना बड़ा है। वो बस उसे अपनी यही इच्छा प्रकट करती है कि उसे अपनी गोद में बिठा करके इसने रूपी हाथ को फेरती रहे। ये माता की ममता होती है जो कि अपने पुत्र के लिए होती है, बाकी और किसी के लिए नहीं। और देखिए सत्य बता रहा हूं, यह ममतामयी माँ जो होती है ना, जो पुत्र के साथ में किरदार निभाती है अपना संबंध का, अगर यह वही संबंध जैसे कि पुत्र के साथ निभाती है, अगर वही संबंध का किरदार पति के साथ निभा दे, सास के साथ निभा दे, ससुर के साथ निभाए, परिवार के साथ निभा दे ना, तो राम राज्य आने में देर नहीं होगी। ध्यान रखना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या पुत्र के साथ करते? उन्होंने कहा पुत्र के साथ यह करती है, कितना भी शराब पीने वाला पुत्र हो ब्याह वाले आ जाए, मेरो लाला मे बाल मे छोरा तो आप तक चाकू ना देखी कैसी हो सर कहे ना, और कितना भी चोरी करने वाला हो, चोरी ना डकैती डालता हो, अब कोई पड़ोसी जाके कहने लगे देख तेरा छोरा बहुत दमबाजी करता है, बहुत डांकर डालने लगा, चोरी करे काहे पागल है वो का, मेरे छोरा तो बिल्कुल कछु ना करे, और तू सुन बदनाम करने डोल लो हमारे छोरा को। मैया का जानती है सब कुछ, और जानने के बाद ना अपने पुत्र के उस भाव को ना, इसने वो है उसका पुत्र के प्रति, इसलिए वो जो किरदार अपने पुत्र के साथ निभा रही है ना, अगर वह किरदार पति के साथ भी निभा दे ना, और पति के संबंध में जो माँ बाप सब है उनके साथ निभा दे, तो भैया आनंद ही आनंद है, फिर तो बात ही क्या है। लेकिन कहा आजकल तो भैया पुत्र के साथ तो चल जाएगा, लेकिन पति के साथ भी नहीं निभा पा रही है। पति देव को तो 11,000 वोल्टेज में ही बात करती हैं, क्या कर रहे बेचारे, पति भी कोई बात नहीं, और सास आहा सास नदन की तो बात ही क्या कहना है। लेकिन हमें देखिए एक लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और देखिए लक्ष्मी जो होती है ना वो धनवान के पास भी होती है, गरीब के पास भी होती है, देवताओं के पास भी होती है, राक्षसों के पास भी होती है। तो परिवार माने कुल मिलाकर के कहना यह है कि लक्ष्मी का जो स्वरूप है ना वह सबको निभा करके चलता है, इसलिए परिवार में माना कि आप ठीक है और सब मान लो कि और सब ठीक नहीं है, आप ही ठीक हो, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, तो औरों को ठीक करने का प्रयास तो करो ना, हम ठीक हैं बाकी सब ठीक नहीं है, लेकिन हम सही हैं तो औरों को सही करने का प्रयास करने में लग जाओ,
अपने आप को खराब करने में, औरों के चक्कर में आकर के ना अपने आप को खराब बदनाम करने में मत लगो। प्रयास करो कि जीवन संभल जाए और जीवन में खुशियां भरे, परिवार संभले। इसलिए लक्ष्मी का वह स्वरूप यही कार्य करता है। और देखिए यशोदा मैया ने रख दिया नीचे, मेरो लाला ना खान पान के कारण अच्छो है, गो नीचे गोद में से बैठा पटक दियो, मानो नीचे पटक दियो जमीन में। और तनावर तनाम का दैत्य आया, आंधी का बेग, तूफान का बेग, अंधकार का समारा, लाला को उठा करके लेकर के चला गया। और किसी को पता नहीं छान छप्पर घर मकान जो भी थे अंधकार में। और आकाश मार्ग में जब लेकर के लाला को जा रहा है ना ये तनावर, स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है यहाँ पर, भगवान ने जैसे ही तृणाव्रत आज परमात्मा कृष्ण को पकड़ करके लेकर के जा रहा है, भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गले को ऐसे पकड़ लिया। और जैसे गले को पकड़ के दबाना प्रारंभ किया, तृणाव्रत कह रहा छोड़ दो मुझे। अरे वो लाला छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें एक छोटा बालक समझा था। भगवान ने कहा देखो छोटा बालक समझा था तो छोटे बालक का ही नियम बता रहा हूं। ये यामा प्रपंधन भजाम हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा पालो हम न जानामी कंसदासु साधुवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार मुरार हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा मैं भगवान समझाए तो आज वही करूंगा जो भगवान करता है, और बालक समझाए तो वही करूंगा जो बालक करता है। और छोटा बच्चा होता है वह गले की तरफ, आंखों की तरफ, मुंह की तरफ हाथ फेंकता है, दाढ़ी को पकड़ के नोचेगा, मूंछों को पकड़ करके अंटेगा, वही गले पर हाथ फेंकेगा। कन्हैया जी ने कहा वही कर रहा हूँ जो बालक कर रहा है, और आज भगवान समझाए तो वही कर रहा हूँ जो भगवान करता है। और पकड़ करके गला उसका दबाया, पत्थर की शिला पर फेंक दिया है, जिससे आज तृणाव्रत की गोविंद आए। ये मर गया बेचारा तृणाव्रत, उसका उद्धार कर दिया। अंत मति हिंसा गति है, तृणाव्रत का उद्धार करके भगवान ब्रजवासियों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की है। देखिए ये तृणाव्रत क्या है, कौन होता है तृणाव्रत, किसे कहते हैं तृणाव्रत? तृणाव्रत कहते हैं तृणा एवं आवर्त यदि विश्ववलम जगत, जो संसार में दिखाई देने वाला है ना, जो तृणों का समूह लेकर के चल रहा है और जो सबकी नजरों के सामने होकर के निकल रहा होता है। आपने देखा होगा कभी जेठ की दोपहर में खेत खाली पड़े हुए हुआ करते थे, तो वह गोल गोल घूम करके जाता था ना, वो हमारी आंखों के सामने से निकलता था, और कुछ भी डालो उसी को उड़ा करके अपने जैसा बना लेता था। इसी प्रकार से जो तृणों का समूह है उसे कहते हैं तृणाव्रत। क्या कहते हो आप अपनी भाषा में उसे? वो घूमता था जो गोल गोल करके। गुरुजी जब हम छोटे हथकाए जब कहते भूतरा आएंगे, उसे तृणाव्रत कहते हैं, भबूड़ा बोल देते हो आप जैसे आप अपनी भाषा में। हाँ
तो उसका उद्धार किया भगवान ने, त्रिलाप्रत का व्रज की रक्षा किया। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, देखिए भैया एक बार वसुदेव जी से मिलने गरगा आचार्य जी आए थे, क्योंकि उनके पुरोहित जी थे। तो वसुदेव जी ने गरगा आचार्य जी से कहा था, आप मेरे दो पुत्र हैं और जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में है, आप मेरे पुत्रों का नामकरण करके आओ मेरे पुरोहित होने के कारण। गरगाचार्य जी ने मना किया, भाई आपके पुरोहित हैं हम, लेकिन आपके बालक जो है ना, वह जो है नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं और कंस को पता ना चल जाए ना, इसलिए मैं आपके बच्चों पर कष्ट नहीं आने दे सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, ज्ञानी भी हैं, और आप किस तरीके से वहां जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण करेंगे, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है गुरुदेव, लेकिन मेरा मन है कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण करने जाएं। अभी तक मेरे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है, नंद बाबा के जो पुरोहित हैं या वहां पर नहीं है, अपने आश्रम पर नहीं है, वह दूर गए हैं और उन्हें बहुत समय लगा हुआ है, वह अभी लौटे नहीं है, इस कारण से कृष्ण बलराम का नामकरण नहीं हो पा रहा था। और देखिएगा आज वही गरगाचार्य जी ब्रज मंडल में पधार रहे हैं आज। तो कितना सुंदर कहा है यार सुखदेव जी ने, गरगह पुरो हितो रान यदु नाम सुमहातया ब्रजम जगाम नंदस्य ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रयोहितम। नंद बाबा वसुदेव जी के आग्रह पर गोकुल पधार गए और नंद बाबा के महलों में गए। आज नंद बाबा ने वसुदेव प्रीति, क्योंकि वसुदेव जी के पुरोहित जी आए हैं, इसलिए उन्हीं की प्रीति के अनुसार उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहां से पधारे हैं। अब वही बात याद दिलाना था ना, वहां तो आए किसी काम से थे ना, अब ऐसे कैसे कहते कि तुम्हारे ही बालकों का नामकरण करने आए। भैया हम ब्राह्मण हैं, कथाएं पढ़ना कहना यज्ञ करना कराना और नामकरण करना यह हमारा कार्य है, और नामकरण का शब्द जैसे उच्चारण हुआ ना, तो नंद बाबा को पता चला हमारे भी पुत्रों का नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, याद आ गई उनको, तो अब हमारे पुरोहित जी नहीं है, लेकिन ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आज हमारे घर पधार गए तो इन्हीं के द्वारा नामकरण कर लेते हैं। और आग्रह किया, गुरुदेव आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दें। गरगाचार्य जी ने कहा, नहीं कर सकते, क्योंकि अपने गुरु जी से कराना, अपने ही पुरोहित जी से कराना। नहीं कहा, नहीं हमारे पुरोहित जी यहाँ पर नहीं है, आप ही कर दो। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया तो कंस को पता चलेगा कि यह वसुदेव जी के पुरोहित नंद के बालकों का नामकरण क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए संकट आ सकता है। गरगाचार्य जी ने कहा, कोई बात नहीं है, हम संभाल लेंगे, आप कर दीजिएगा। गरगाचार्य जी ने कहा, एक शर्त पर तो कर सकते हैं, क्या? देखिए कानों कान किसी को आपके बच्चों का नामकरण होने का पता ना चले, किसी को भी पता ना चले। गरगाचार्य जी ने जब ऐसा कहा, नंद बाबा ने कहा, पुरोहित गरगाचार्य के जैसे विद्वान के द्वारा नामकरण हो जाए हमारे बालकों का, इससे अच्छा कुछ नहीं, और इसलिए कोई भी उत्सव नहीं करेंगे हम। बताओ किस प्रकार करना है, तो गोष्ठ माने जहां गाय बनती थी उन गायों के बीच में व्यवस्था की गई है भगवान कृष्ण के नामकरण की, और इन भगवान का जो नाम है ना, ये गायों के बीच में रखा गया है। गरगाचार्य ने बहुत अच्छी प्रकार से नाम रखा है इनका। देखिएगा ये जो बड़े भाई हैं कृष्ण के, रोहिणी नंदन, इनका नाम रखा है बलराम। बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा, इनके तो वैसे और भी बहुत से नाम है, हलधर, संघर्षण आदि नाना प्रकार से, लेकिन आज इनका नाम रखा है बड़ा सुंदर नाम, अयम है रोहिणी पुत्रो रमयतनम सुहदो गुणै
आख्या तेरा मैते बालाधिक्याय बलम विदु। इनका नाम इस युग में बहुत प्यारा होगा राम, लेकिन बहुत बलशाली होने के कारण इन्हें लोग कहेंगे बलराम। लेकिन यशोदा मैया जी के पुत्र का नामकरण किया आसान वर्ण स्त्रयो हचस्यम गृहयुगणो युगम तनु शुक्लो रक्तस्थताम प्राप्तम इदानी कृष्णताम गतम। इनके नाम तो अनेक हैं, मैं अपने मुख से क्या कहूं, लेकिन इस युग में मैं फिर भी बता रहा हूं, इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहव सुमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुसार रख रहा हूं, उनका नाम बता रहा हूं भैया। वैसे तो कभी पीत कभी रक्त कभी सुवल, कभी माता पिता के द्वारा तो कभी बिना माता पिता के द्वारा ही प्रकट होकर के आ जाते हैं, लेकिन इस युग में ये किस नाम से जाने जाएंगे। वो बड़ा प्यारा नाम रखा है, इनका नाम होगा कृष्णा। भगवान तो क्या नाम है पता है, कृष्णा, बड़ा प्यारा नाम। कृष्ण किसे कहते हैं, कर सती इति कृष्णा, जिसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण भरा है वह होता है कृष्ण। जिसे एक बार देख करके मन लालायित होता है बार बार देखने के लिए, उसे कहते हैं कृष्ण। और यह कर्षण आकर्षण रूपी चुंबक मेरे गोविंद के अंदर है, एक बार इनका बन जाए ना तो वह सदा के लिए इनका ही हो जाता है, ऐसा भाव गोविंद। नामकरण हो गया भैया, और नामकरण होने के बाद में तो आज बड़े प्रेम की बात यह है, भगवान कृष्ण एक वर्ष के हो गए, आगे वाले दो दांत भी निकल आए। छोटा बालक होता है ना, सारा मुंह उसका पोपला होता है, दो दांत आगे के निकल रहे होते हैं और मुस्कुराता है, बड़ा अच्छा लगता है। भैया यशोदा भाग करके किसी काम के लिए जा रहे थे, खम्भ के पीछे खड़ा था, और खम्भ के पीछे खड़ा होकर के एकदम से मैया की ना चुंदरी को साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। मैया सोचने लगी अटक गया है शायद किसी ने, देखो कौन है। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा ना तो कन्हैया पकड़े खड़ा है मैया का पल्लू। और जैसे मैया ने पीछे मुड़ के कहा लाला, तो बड़े प्रेम से दो दांतों को आगे निकाल करके मैया को बड़े प्रेम से कहा लाला ने, मैया यशोदा रानी का लाला आज पहली बार बोला है, पहली बार। तो मैया यशोदा ने कितने सुंदर भाव में कहा है, आइएगा हम दो शब्दों में बड़ी प्रेम से निवेदन करें। और सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद गाया है, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, आप लोग ताली बजाते हुए बड़े मस्त भाव में सेवा करें, क्योंकि देखिए ऐसा मानो कि मैया यशोदा का लाला अपनो ही लाला, हमारा छोटो लाला हुए और वाट वाट उस समय वो हमें मैया मैया कह के बुलावे, कितना प्यार कितना दुलार। तो ये तो सबका पिता है, लेकिन आज के दिन लाला मान लो इसे, बड़े प्यार से बोलो, बहन लागे मोहन मैया मैया, बहने लागे मोहन मैया मैया, बहने लागे मोहन मैया मैया, नितानंद बाबा रे बाबा, नितानंद बाबा रे बाबा, नितानंद सो बाबा रे बाबा, नितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया,
मैया बहन लागे मोहन मैया मैया बहन लागे मोहन मैया मैया अटारी पर चढ़ गई ऊपर मैया और आवाज लगाने लगी अरे ओ ग्वाल बाल सुनो जल्दी बात के आओ और कितना सुंदर का ऊंचे चढ़ चढ़ कहता यशोदा 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 ले ले नाम कन्हैया मैया मैया कहने लगो मैया मैया ओ पिता नंद सो बाबा रे बाबा 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 और हलधर सो भैया मैया मैया देख लाइए लाला दूर खेलन नाही जइयो रे लाला दूर खेलन नाही जइयो रे लाला दूर खेलन नाही जइयो रे लाला दूर खेलन नाही जइयो लाला मारगी काहू की गैया मारगी काहू की मैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया बिंब बिलोकत मणि मकबन प्रति बिन लोकत
राज कन्हैया नचत कुमार निज पैया 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 बहन लगे मोहन मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया यह छवि अनाथ न पैया तो छवि अमृत पैया यह छवि अनाथ न पैया 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 कहन लगे जय हो मैया मैया कहन लगे मोहर मैया मैया कहन लगे मोहर मैया मैया कहन लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया जय जय श्री राम नग जोर से जयकारो लगा करो ऐसे मरे मरे से मुंह से बोलो जैसे कि मुंह खोल ना पा रहा जयकारो थोड़ा जोर से लगाओ लगा जोर से तुम पूरे दानचंद रहे हो बोल बंसी मारे की अब ये ना नया करो देखो पांच पांच हजार रुपए देंगे ब्याज जी दो पार्टी कर लो ये तक हिंदुस्तान और ये तक राजस्थान दुश्मन देश को नाम ले रही हो पहली पार्टी की बोलेगी बोल बंसी मारे की ये तक ही पार्टी बोलो बोल डमरुआ मारे की ब्याज जी कह रहे इनाम कैंसिल बराबर बोलो सब
बांके बिहारी लाल जय हो। ठाकुर जी के जयकारे में जय घोष ऐसा होना चाहिए आनंद वर्ष। लेकिन तुम्हारा काम दूसरी तरह को आ जाए कछु पता है। एक दानचंद नाम के व्यक्ति थे और देखिएगा वह दानचंद ऐसे व्यक्ति थे कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थे बारा। अब देखो ध्यान दे करके सुनो जरा बातें तो अपने घर भी करने के लिए मिल जाए। तो गांव वाले एक बार की बात है जा रहे थे गंगा स्नान करने के ताई। तो पत्नी ने कहो तुम गंगा स्नान कराओ यहीं पड़े रहते हो। उसने कहा ठीक है कराएंगे कोई बात नहीं है टोसा बना दो हमारे लिए। और देखिएगा तो टोसे में क्या टिक्कर बना दिए। जानते हो टिक्कर किसे कहते हैं? टिक्कर नहीं जानते? पहले ना टिक्कर बोले जाते थे वह घी से चुपड़ के बनाते हैं ना। क्या पराठा बोलते हो तो उसे क्या कहते हो? तो वह टिक्कर बोलते थे उनको। टिक्कर बना करके रख करके अचार के साथ में चल दिए गंगा। उसने कहा भाई बस में बैठेंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा अब क्या करना चाहिए मान की एक काम करो पैदल ही चलो 12 कोस दूर गंगा मैया। पैदल ही बेचारे चलते चलते दानचंद हार गए गंगा तक जाते समय। लेकिन अब गंगा पे पहुंच तो गए लेकिन गंगा में पहुंच करके उन्होंने विचार किया कि अब कहां नहाया जाए। यहाँ तो बड़े पंडा पुजारी घूम रहे हैं या नाम ने तब ना अगर यहाँ पे ना लियो तो ये तो दान मांगेंगे और दानचंद दान देना जानते नहीं है बेचारे। इसलिए उन्होंने विचार किया एक काम करो यहाँ मत नहाओ। तो कहां नहाना चाहिए विचार आयो एक काम करते हैं शमशान घाट पर चल के नहाएंगे वहां कोई ना मिले। और देखिए वो शमशान घाट पर नहाने के लिए दानचंद चले गए। लेकिन दानचंद ने शमशान घाट पर जाने के बाद भी ना देखा इधर उधर कोई है तो नहीं है। और चारों तरफ देख करके अपने वस्त्र रख करके और जैसे ही गंगा में प्रवेश करने के लिए गया और ज्यादा नहीं केवल एक ही डुबकी मारी हर हर गंगे महादेव जय श्री गंगे हो गया स्नान। और तुरंत जैसे निकल के मुंह फेर के वस्त्रों की तरफ देखा तो वस्त्रों के पास बैठा एक पुजारी। और जब वस्त्रों के पास पुजारी बाबा बैठे तो एकदम से दानचंद ने देखा भैया यहाँ तो कोई नहीं था लेकिन ये कैसे आ गया। अब तो मन में विचार कियो अब क्या करना चाहिए यासु पंडा बन के पुजारी बन के कौन आया है वो आए भगवान मान के भैया इतना बड़ो कंजूस देखे तो सही। और एकदम से कहने लगे यजमान की जय हो गंगा से निकलने नहीं दिया वहीं से चल रहा है यजमान की जय हो यजमान की जय हो। दानचंद कहने लगे यजमान की जय हो वह तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो भैया। अरे ये शमशान घाट है यहाँ तुम्हें कौन देने वाला है कुछ इसलिए तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। भगवान कहने लगे मुस्कुरा करके भैया साल में एक दो तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं यहाँ जो कि पूरी साल का प्रबंध मेरा कर जाते हैं इसलिए मैं कहीं नहीं भटकता यहीं रहता हूँ और बस तुम्हारे जैसा कोई एक यजमान ही पूरी साल का प्रबंध कर देता है। दानचंद कहने लगा सुनो मैं पूरी साल का इंतजाम करने वालों में से नहीं मैं नहीं हूं। पुजारी जी बने भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं है एक साल का मत करना 6 महीने का कर दो 6 महीने के लिए किसी और को देख लेंगे। दानचंद कहने लगा मैं 6 महीने का करने वाला भी यजमान नहीं हूं। पुजारी जी ने कहा तो कोई बात नहीं है 3 महीने का कर दो तुम। दानचंद कहने लगा सुनो 3 महीने का करने वाला यजमान भी नहीं हूं। भगवान कहने लगे बहुत ही कंजूस है ये तो भाई। भगवान ने कहा एक काम करो 1 महीने का दान कर लो हमारे घर का 1 महीने का खर्चा पानी दे जाओ। दानचंद कहने लगे सुनो मैं 1 महीने का भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चलो 15 दिन का दे दो। दानचंद ने कहा 15 दिन का भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो 5 दिन का दे सकते हो। दानचंद ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तो एक काम करो 1 दिन का हमारा खर्चा दे दो।
एक दिन का दे दो। दानचंद ने कहा वह भी नहीं दूंगा। भगवान बोले, पुजारी कहने लगे तो गंगा में से निकलने तब दूंगा जब कुछ दान कर लूंगी, उससे पहले नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा हम कोई दान ही नहीं करेंगे। भगवान ने कहा हम निकलने ही नहीं देंगे। भगवान ने कहा कुछ भी दान कर लो, ठीक है अपनी मर्जी से कर लो। दानचंद के मन में आया अपनी मर्जी से कह रहा है, फिर तो कोई बात नहीं है, निकलने का बहाना भी तो चाहिए कुछ। इसलिए कहा चलो ठीक है हम दान कर रहे हैं एक धेला, और सुनो वह भी उधार, हमारे घर आओगे तो मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तुमने दान किया तो सही, और कपड़े दे दिए उसके, पहना बेचारा बड़ी मुश्किल में हाथ चंगल से छूटा और एकदम भागता हुआ घर पे आ गया। बेचारा पैदल ही गया, पैदल ही आया, गर्मी का समय, पसीना पसीना हो गया, बुखार चढ़ गया दानचंद को। लेकिन जैसे घर के दरवाजे में घुस करके खाट पर लेटा, पुजारी जी दरवाजे पर आ गए और एकदम से पुजारी जी ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो। पंडितानी जी तो दानचंद की घरवाली थी ना, बाहर निकल के आई और एकदम देखा वही पुजारी जी को, कहने लगी क्या बात है महाराज, दानचंद हैं क्या घर पर? हाँ अभी अभी आए हैं, उनसे जाकर के कह दो वह एक धेला दान करके आए हैं ना। वो पुजारी जी आ गए और साथियों जाकर के कहा पत्नी ने कोई दान वान करके आए हो क्या? उसने कहा तुझे कैसे पता? एक धेला दान किया उधार। उसने कहा वह उधार मांगने वाला आ गया। वह पुजारी आ गया है दरवाजे पर खड़ा, एक धेला मांगने वाला। दानचंद कहने लगे बाप रे, एक धेला के लिए यहां तक आ गया मांगने के लिए। दानचंद कहने लगा तू मुझे जानती है ना, मैं धेला देने वाला हूं उसे। पत्नी ने कहा तू फिर कह क्या दूं, यह बता दो मुझे, देना न देना तुम्हारा काम है, मुझे यह बता दो क्या कह दूं। दानचंद ने कहा कह दो गंगा स्नान करके आए हैं, दोपहरी में आए हैं, इसलिए बीमार पड़ गए, बुखार आ गया है, अब नहीं बात कर सकते। और पत्नी ने जाकर के वही कह दिया है सुनो महाराज जी फिर कभी आना, दानचंद तो बीमार है, परेशान है, अब इस हालत में बात नहीं कर सकते। पुजारी जी कहने लगे एक देला के लिए बीमार भी पड़ गया, घर तक बुला लिया और बीमार। अब तो भैया पुजारी जी ने कहा देवी तुम अकेली घर पर हो और दानचंद को अगर कुछ हो गया, बीमार है, परेशान है, अब तो समस्या आ जाएगी ना। अब हमारा यजमान बीमार और हम यहाँ से छोड़ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते ना तब तक तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे। पत्नी ने जाकर के कहा एक देला जाकर के पकड़ा दो से, तुम 15 दिन तक सी ठीक नहीं होंगे ना तो वो 15 दिन यहीं पड़ा रहेगा और तुम्हारा ही खाता रहेगा, एक धेला से ज्यादा तो खा जाएगा, दे दो धेला जा करके, जाने दो उसे। दानचंद ने कहा तू मुझे जानती नहीं है, मैं धेला देता तो वह गंगा पे दे देता, यहाँ क्यों बुलाता है इसे, मैं धेला नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा तो वह जाने वाला नहीं है। दानचंद ने कहा जाएगा, जाएगा वह कैसे जाएगा कि कह दो जाकर के दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे मैं कह सकती हूँ? उसने कहा कह दो जाकर के दानचंद मर गए। पत्नी ने आकर के रो करके कहा पुजारी जी अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चले जाओ अब कुछ नहीं रहा। क्या बात हो गई, अरे दानचंद मर गए। पंडा बने भगवान बेचारे सोच रहे हैं बेचारा एक धेला के लिए मर भी गया, एक धेला देने के लिए मर गया। दानचंद कहने लगा देवी जी तुम घर पर अकेली हो, यजमान मर गए, अब तुम कैसे संभालोगी व्यवस्था को? इसलिए मैं गांव में जाकर के कह के आता हूँ घर घर सबसे कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। और भैया वो पंडा छूटे और पुजारी जी दौड़ करके गए और सारे गांव में भाग करके जाकर के अनेक रूप तो भगवान देना, अनेक रूपों के द्वारा ना घर घर के आए दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, सारा गांव पल मात्र में इकट्ठा। और दानचंद ने कड़ी सांस खींच ली भैया और आंखें बंद करके पढ़ाए दानचंद,
गांव वालों ने बाहर निकाल के पटक दिया। दानचंद मर गए और बहुत देर तक सभी रोए, पत्नी रो रही है, सब रो रहे हैं, वो बैठे बैठे भगवान पंडा भी रो रहे हैं। बताओ कितना कंजूस है, एक ढेला के लिए कितनों को परेशान कर रहा है। लेकिन गांव वालों ने फिर कहा, विचार करा थोड़ी बहुत, कब तक पड़े रहे हैं? उन्होंने कहा अब ले चलो भाई, दानचंद का कोई है तो नहीं, इसलिए एक काम करो, ले चलो इन्हें कांटी बना के तैयार कर ली। और दानचंद को पकड़कर चार व्यक्तियों ने जैसे पकड़ करके उठाना प्रारंभ किया और पत्नी ने एकदम से खींच लिया और पत्नी नीचे की ओर खींचे, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और घर वाले गांव वाले कह रहे हैं मरने के बाद यही मोह होता है बेटी, ये तो तुम्हारा मोह है कि दानचंद मरे नहीं है। और बाकी में मरे कहां, ये तो तेरे साथ ही है ना, इसलिए ये शरीर मरा है। लेकिन वो हकीकत में कह रही है कि ये मरे नहीं है, वो सही बोल रही है कि ये मरे नहीं है। और पड़ोसी कह रहा है ये तो सभी मरने की बात कहते हैं कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, तो तुम्हारा मोह है बिटिया, ये तो चले गए दानचंद, इसलिए जाने दो। और पत्नी चिल्ला रही है कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, छोड़ दो इन्हें, नहीं मरे ये। लेकिन दानचंद ने चू तक नहीं की और भैया पकड़ करके कांटी पर कस करके बांध दिया, कांटी पर बांध दिया, कस दिया, आंखें नहीं मटकाई, चू तक नहीं की। और भगवान देख रहे हैं, देखो कांटी पर धर गया है लेकिन चुभ नहीं की इसने, इतना बड़ा कंजूस मैंने भैया पहली बार देखा ये तो। लेकिन लाद दिया कंधों पर लोगों ने उसे और पत्नी चिल्ला रही है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और बेचारे ले गए जबरदस्ती शमशान में जाकर के पटक दिया, लकड़ियों की चिता बना दी, लेकिन आज अभी तक भी दानचंद ने चू नहीं किया। और आखिरकार कांटी से उठा करके लकड़ियों पर रख दिया। अब बस इन देर कितनी है, बस वह अग्निदाह करने की देर है, बस और कुछ नहीं। और पंडा बने भगवान देख रहे हैं बेचारा मर जाएगा या तू, एक ढेले के लिए मर जाएगा, लेकिन चू तक नहीं करा, एकदम सांस चढ़ा करके आंखें बंद करके पड़ा है। और वही अग्नि देने वाले अग्नि की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भगवान को दया आ गई। और भगवान को दया आई, कहने लगे भैया मेरा यजमान था ये दानचंद, मैं इनसे जाकर तो बात कान में एक मंत्र ऐसा फूकूंगा जिससे मुक्ति मिल जाएगी, करने दोगे क्या? उन्होंने कहा जल्दी कर लो शीघ्र। भगवान ने जाकर के कान में कहा, ओ सुनो, आया हूँ बैकुंठ से, तुम महित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूँ भैया और तुमसे स्नेह लग गया है मेरा, तुम्हारे इस कंजूस पने में ही मेरा स्नेह जुड़ गया है। और जैसे ही आज बैकुंठ से आया कोई नया व्यक्ति होगा, दानचंद ने देखा और जैसे ही आंख खोल करके देखा वही पंडा, और जैसे ही आंख खोल के वो पंडा सामने देखा, दानचंद ने एकदम से आंखें बंद कर ली, ये तो वही पंडा है, ये तो देला मांगने आया, नाटक कर रहा है, एकदम से आंखें बंद कर ली दानचंद ने। भगवान कहने लगा यह देला नहीं देगा, हाथ जोड़ के कहा भैया आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जो मांग ले, जो मांगना है मैं तेरे इस कंजूस पने से भी प्रसन्न हो गया, जो मांगना है मांग ले। अब आंखें खोल के फिर देखी तो फिर वही पंडा, उसे कहां समझ में आ रही है कि कौन आया। उसने कहा भैया तू जो भी है लेकिन बस अगर मुझे देना चाहता है ना तो एकदम से नीचे से बोला, वो लकड़ियां चल रहे हैं ना, आगनी की तैयारी थी। उसने कहा भैया बस ढेला दीजिए छोड़, या ढेला को छोड़ दे, फंदा काटना चाहे तो। भगवान ने कहा ठीक है, हमने ढेला छोड़ दिया, अब तू भैया मर मत। और जैसे ढेला छोड़ने की बात कही पंडा जी ने, राम राम कर करके वही दानचंद जिंदा हो गए। तो देखिए तुम लोग ना वही दानचंद की तरह कंजूसी करते हो, ऐसी कंजूसी किसी काम की नहीं, इसलिए कंजूस पना इतना भी ठीक नहीं है कि पत्नी कह रही है कि मरे नहीं है और गांव के लोग खींच करके ले जा रहे हैं मर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की। आगे देखिएगा बड़ी सुंदर लीला हुई है ब्रज मंडल में। भगवान थोड़े बड़े हो गए, घर से बाहर निकलने का प्रयास किया। अब देखिए नई युक्ति सोचने लगे हैं यार, पहले के जमाने में जो देहलिया होती थी ना वो थोड़ी ऊंची होती थी महाराज, आज के जमाने में देहली तो नहीं होती शायद, अब कहीं देहली देखने के लिए तो मिलती नहीं, मर्यादा नष्ट हो गई। पहले देहलियां, पहले माताएं झाड़ू लगा करके लाया करती थी और देहली पर आकर के वो सारा जो घर का वह होता था ना सब इकट्ठा हो जाता था। अब उसमें जो भी
हमारी वस्तु खो गई है, गिर गई है, वह सब देखने के बाद वह कूड़ा जो होता था निकाला जाता था। आजकल तो देहल ही नहीं, डायरेक्ट चल रहा मामला सर। और सुनो, झाड़ू वाड़ू की तो बात ही खत्म हो गई, बटन दबाओ सिस्टम चालू, सब एकदम अपने आप हो रहा है। लेकिन देहलिया और यशोदा मैया की देहली बहुत ऊंची है। एक वर्ष का कोई बालक क्या दो वर्ष का बालक भी पार नहीं कर सकता उसे। कन्हैया जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं बाहर कैसे जाए, मैया की देहली तो बड़ी ऊंची है। अब देहली के पास में आकर के बेचारे अटक जाते, लांगे कैसे। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित कितनी चालाकी है इनके अंदर। अब देहली को लांगने के लिए एक युक्ति बनाई इन्होंने, क्या देहली के पास में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के ना ये उस पर लेट जाते हैं और लेट करके दूसरी तरफ पलट जाते हैं। और यशोदा रानी चुटके से देख रही होती है कि ये करेगा क्या, और उस कौतूहल को देख रहे होते हैं, एकदम से पलट करके दूसरी तरफ गिर के और चले जाते हैं। गायों के सींगों को पकड़ लेते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते हैं, कभी मोर पंछियों के पीछे भागते हैं, कभी नाना प्रकार से बलराम जी के साथ तीर तलवारों से खेलते हैं, कभी फूकनी लेकर के चूल्हे में जलती हुई अग्नि में मारते हैं ये फूंक। लेकिन अद्भुत भाव है भगवान कन्हैया का, बाल्य स्वरूप का बड़ा आनंदमय। मैया यशोदा उनकी लीलाओं से कृतकृत होती है महाराज, धन्य होती है अपने जीवन में वो। और हर माँ अपने पुत्र की इन ऐसी आनंदमय लीलाओं से बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ा आनंददायक होता है, बहुत आनंद। और धीरे धीरे थोड़े से और बड़े हो गए ना ये, तो बाहर जाकर के एक घूमना फिरना। अब देखिए जैसे निकल के जाते हैं ना, ये गोपियां है ना, हाथ का जाला देकर बुलाती हैं, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ लाला, हमारे पास आ जाओ। लेकिन आज कन्हैया ने भी ना देखिए अपने ग्वाल बाल मित्र सखाओं से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन अपना भगवान कृष्ण ने पूछा है श्री दामा मधु मंगल मन सुखा आदि सभी को इकट्ठा करके, अरे ओ भैया तुम ये दुबले पतले कैसे हो रहे हो। और मधुमंगल कह रहा है कृष्ण हमारे यहाँ पर माखन खाने के लिए नहीं मिलता। उन्होंने कहा ब्रज में माखन की क्या कमी है भाई, ब्रजमंडल में माखन छाछ दूध की क्या कमी है जो तुम्हें खाने नहीं मिलता। मधुमंगल ने कहा हमारे घर पर एक गाय है दुबली पतली, थोड़ा दूध देती है, उसका जो माखन होता है वह कंस के कर में चला जाता है, हमारे घर वाले बेचने चले जाते हैं और हमें दूध मिलता नहीं, दही मिलता नहीं, माखन मिलता नहीं, तो हम तो ऐसे ही होंगे ना। और तेरे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं नंद बाबा को, ताजा ताजा माखन खाता है, सो तू मोटा ताजी हो रहा है। ठाकुर जी ने विचार किया आज, देखिए ये मेरे कहने पर जब भगवान के पास में माता पृथ्वी देवता गए हुए थे कि जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लो भगवान, तो भगवान ने कहा मैं अवतार लेकर के गोकुल में लीला करूंगा, आप लोग अपने अपने अंश अवतार से मेरी लीलाओं का आनंद लेंगे। तो यह जो ग्वाल हैं, जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, जो बछड़े गाय चोपी हैं लता पता, ये सब कुछ कोई और नहीं है, ब्रजमंडल में पधारे हुए साधु महात्मा है, संत महापुरुष हैं, ये देवता लोग हैं, ये सभी बड़े स्नेह के। भगवान ने देखा कि मैं अकेला माखन खाता रहूं और इन्हें न मिले ये तो ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा सुनो कल से हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें माखन खिलाना, भरपेट खिलाए। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है, तो कहां कौन से दरवाजे पर आना। उन्होंने कहा माखन खिलाएगा तो कृष्ण खिलाएगा, अब उसके महल में जाएंगे वहां से तो खिलाएगा, और खिला भी दे तो कोई बात नहीं है, इतनी गाय भैया। कन्हैया ने कहा अपने घर पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर माखन कहां से खिलाओगे और कैसे खिलाओगे। भगवान ने कहा माखन तुम्हारे घरों से खिलाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा हुआ कैसे खिलाओगे। कन्हैया ने कहा वह चोरी करके खिलाऊंगा। श्री दामा मधुमंगल कहने लगे रहंदा हमें ना चोरी करनी भैया, तू तो मोटो ताजी है रो, लेकिन चोरी करते हुए पकड़े गए ना और काऊ गोप को लठ पर गो ना, बस गोविंदाय नमो मर जाए। कन्हैया ने कहा ऐसी वैसी चोरी थोड़ी करेंगे, जो पकड़े जाएंगे तो कैसी चोरी करेंगे। देखो भैया हमारे पास में चोरी करने को एक मंत्र है, वह मंत्र को बोलेंगे तब चोरी करेंगे, ऐसी थोड़ी चोरी करने चले जाए।
मधुमंगल कहने लगो अरे कन्हैया तो पे सचमुच मंत्र है का? भगवान ने कहा हाँ मंत्र है मेरे पास, तो कौन सा मंत्र जरा मुख बता। भगवान कहने लगे ऐसे ना बताओ, तो फिर कैसे बताओगे? मेरे पास में आ जाओ सब कान में बताऊं, और काई ने सुन लो ना तो चोरी कोई करेगा और पकड़े हम जाएंगे, इसलिए पास में आओ। और सारे ग्वाल वालों को बुला करके भगवान ने कान में बुलाया कफल्लम कफल्लम कफल्लम। मधुमंगल कहने लगा हत तेरी का, ये कफल्लम कफल्लम भी कोई मंत्र होता है? अरे ओ कृष्ण क्या बक रहा है तू ये? भगवान ने कहा चोरी करने का मंत्र है श्रीमान जी, ये ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला नहीं, भगवान की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, चोरी करने का है। सीतामा कहने लगो हाँ भाई बात तो सही है, चोरी करने को मंत्र ही तो है, ये तो ऐसा ही होगा। हमने कहा सुनो याकू कभी, अब तो ऐसा ही मंत्र होगा। अच्छा मधुमंगल ने कहो लाला तैने याक को प्रैक्टिकल करके देख लियो है? तो कन्हैया बड़े प्यार से कह रहे हैं हाँ। कहाँ पे कियो? अपने घर पे ही करके देख लियो अपनी मैया के पास। हमारी मैया बैठी बैठी देखती रहे और हम माखन को रौंदा उठा के खा जाए और वाकू पतो ही ना पड़े, लेकिन वही कफल्लम 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 कफल्लम। श्री दामा कहने लगो तो बन गो काम बेटा, अब तो याई मंत्र को बोल करके ना आनंद से माखन खाएंगे। भगवान ने कोई ऐसे नहीं भैया एक काम करना पड़ेगा, कहा एक मंडल का निर्माण, और देखिए मंडल का निर्माण हुआ बाल गोपाल चोरी विद्या मंडल, इसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय कृष्ण चंद्र जी महाराज। उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष। अब कर लो भगवान ने कहा सुनो मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा करोगे तुम लोग, ठीक है माखन मिलना चाहिए? हाँ माखन मिल जाएगा। भगवान ने कहा तो क्या करना है? देखिए प्रातः काल तुम्हें एक ध्यान रखना है, कौन सी गोपी कब पनघट जाती है, कौन सी गोपी गाय दोहन करने जाती है, कौन सी गोपी कब अपने घर से निकल करके खरग में जाती है, बस यह आकर के सूचना मुझे दे दो, बाकी काम क्या है फिर मैं देख लूंगा मुझे क्या करना। और ये ग्वाल बाल बेचारे लग जाते भगवान के चेले, और जैसे गोपी घर से बाहर निकल के जाती है ना, आज कन्हैया को सूचना मिलती है तुरंत घर में घुस जाते हैं, और घर में घुस करके ना माखन ताजा ताजा बड़े प्रेम से खाते हैं भैया, और ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बच्चा कुचा रह जाता है ना तो उसे डाल देते हैं बंदर भालुओं को, बड़े प्रेम के साथ में खिला रहे हैं, बड़ी आनंद भाई मस्ती आ रही है आज ग्वाल बालों को, वाह कन्हैया ताजो ताजो माखन खाने लगे ये ग्वाल बाल। एक गोपी के यहाँ डाको डालो, पड़ोसी से कहने लगी अरे ओ बहन आज मेरे घर पर तो कोई बंदर भालू न आए कि ऐसा तमाशा करो जाको कोई जवाब न आए, लेकिन कल दूसरी वाली के यहाँ पर डाला, उसने कहा बहन जो तेरे यहाँ बंदर भालू आए आज मेरे यहाँ भी आ गया, और धीरे धीरे सारे परिमंडल में यह होने लगा। और देखिएगा आज बड़ी सुंदर सी बात है और बड़ी अद्भुत बात है, देखिए यह जब इतना बड़ा तांडव नृत्य करने लगा है ब्रजमंडल में, घर घर शोर हो गया, कन्हैया पनघट जाती है गोपियां ना तो उनकी इंद्रिन को लेकर के भाग जाती है, या दधी बेचने जाती है ना मथुरा तो उनके ऊपर से मटकियां उतार लेते हैं और गोपियों को रोक लेते हैं, पहले हमें खिला दो उसके बाद ले जा। इस प्रकार से आज गोपियां इस कन्हैया की शरारत से बड़ी बेचैन होने लगी। और आज मैया यशोदा के पास में आकर के ये शिकायत कर रही है, देख मैया ये तेरो लाला है ना बहुत नटखट है वो, और किस सुंदर भाव से कह रही है वो अरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये पलानंद के घर
नंद किशोर हो गया है। और उठा ले हाथ पर कुलसी दे, जल्दी बैठ जाओ जल्दी। और यशोदा का लाला माखन चोर हो गया, यशोदा का लाला माखन चोर हो गया है। भला नंद के घर नंद किशोर हो गया है, यशोदा का लाला माखन चोर हो गया है। यशोदा का लाला चोर हो गया है, अरे चोर हो गया है लाला, चोर हो गया है, चोर हो गया रे लाला, चोर हो गया है। यशोदा का लाला माखन चोर हो गया है, यशोदा का लाला चोर हो गया है। संग में लावे ऊधम खूब मचावत है, ऊधम खूब मचावत है, अरे ऊधम खूब मचावत है। मना करूं तो चुपके माखन खूब चुरावत है, माखन खूब चुरावत है, अरे माखन खूब चुरावत है। माखन खाए के लाइने मेरे संग रहियो, कोशिश करियो वैसे गवेरी आए। नंदन नंदन नट खट नट नागर नटवर नंद किशोर वही गाओ। ले दोबारा सुनो, नंदन नंदन नट खट नट नागर नटवर नंद किशोर वही। चलो कोई बात नहीं, चाहे तो कह दोगे मेरे संग मेरा बेटा। ओडन के ओड बड़े फोडन के फोड बड़े गोडन के गोड मेरे बांके बिहारी, गोडन के गोड मेरे बांके बिहारी बांके। ओडन के ओड बड़े फोडन के फोड बड़े गोडन के गोड मेरे बांके बिहारी जी। जिनकी बंसी में रिंग रिंग टोन प्यार के है काना डॉन, करे राधा पे टेलीफोन बांके जोड़ते बांके। ताऊ जी के राज हैंड और रुकमणी के हस बैंड, वा राधा के बॉयफ्रेंड बांके जोड़ते बोलो बांके। इन भक्तों के पैर इस धर्म से
राधा के मिस्टर और ताली बजा ले। अरे दुनिया के प्राय मिनिस्टर बाके बिहारी जी, दुनिया के प्राय मिनिस्टर बाके बिहारी जी, दुनिया के प्राय मिनिस्टर बाके बिहारी जी। नंद नदन नट खट नट नागर नटवर नंद किशोर वही, लेकिन चित को चुरा के चकित रह गई मेरे मन का मोर वही, मेरे मन का मोर वही, धर्म से ये खींचने हो सोदा का लाला माखन चोरी हो गया है, सोदा का लाला माखन चोर हो गया है। हल्ला यशोदा लल्ला ये भूपक्का काला है, ये भूपक्का काला है, ओ दे भूपक्का काला है। गाय चरावे शर्म न आवे, गाय चरावे शर्म न आवे, ये तो मन का काला है, ओ ये तो मन का काला है, ओ ये तो मन का काला है। दिलों में ये बसने वाला यशोदा का लाला माखन चोर हो गया है। बोल बंसी के बजैया की जय जय। बोले आनंद कंद भगवान की। गोपियां मैया से कह रही हैं या कुछ समझा के रख थोड़ा सा। और देखिए ये गोपियां किस तरह भगवान के लिए से वो कर रही हैं शिकायत मैया से। मैया एक दिन की बात भई और ये गोपी कहने लगी, ये देखने में तो ऐसा लगे बहुत ही भोलो है, लेकिन ये हमारी गायन के दोहन से पहले बछड़न को छोड़ देव। और मैया हमको हम अगर कछु कहें तो अंगूठा दिखा के भागे। ये गोपी कहने लगी, तेरे लाला मेरे घर को सुनो, जब जब देखे मैया तब ही घुस जाओ। और एक गोपी ने कहो, मैया मेरे घर में अगर या कोई कछु न मिले ना तो मेरे बालकन को नोच के भागा। ऐसो अद्भुत चौथी सखी कह रही है, मैया देख तेरे लाला को इतना ज्ञान रहे, कौन सी गोपी कब पानी को जावे, कब गाय दोहन के लिए जावे, कब कहां जावे, वो सब ज्ञान रहता है। या तो तू या कुछ समझा ले, नहीं तो फिर हम तेरे ब्रज को छोड़ के चली जाएं। यशोदा मैया ने कहा, देखो छोटे से लाला की बात पे ऐसे तो नाराज ना हो। और गोपियों तुम अपनों जो यह माखन है ना वाकु अंधेरे में रखो करो या ऊंचो झीके पे रखो करो। और देखिए गोपी कह रही है, मैया यशोदा से देखो जो तुम समझाने को प्रयास कर रही हो ना हमको, ये हमने पहले करके देख लियो है, हमने अंधेरे में रख के देख लियो माखन। मैया जिसे पद्म राग के मणियों की माला पहना रखी हो और जिसके खड़ुए में हीरों की चमक मड़ी लगी हो, वो ऐसे ऐसे करके हाथ को घुमावे और उस मणियों के प्रकाश से माखन चमक जाता।
और रही बात ऊपर की तो मैया बाल बालन को ले जावे साथ में और उनके ऊपर चढ़ चढ़ के उतार ले माखन को। मैया यशोदा कहने लगी और ऊपर रख के देखो माखन। एक गोपी ने कहो एक दिन गुस्से में आकर 25 फुट ऊपर पीपल के वृक्ष पे हमने लटका दी मटकी और फिर शर्त रख दी देखेंगे अब कैसे खाओगे माखन खा के जाओ। पता है न जाने कहां से 25 फुट लंबा बांस लेके आए और मैया नीचे से छेद कर दियो और सुन मैया ऊपर 25 फुट ऊपर से नीचे टपकने वाला माखन मुंह में गया और नीचे नहीं गिरा। ऐसा अद्भुत। मैया यशोदा कहने लगी तो बहन कन्हैया तुम्हारे घर में चोरी करता है जा करके तो तुम आज बता रही हो पहले भी बताई होता और कोई बात नहीं है। अगर चोरी करता है या कुछ किया भी है इसने तो आज तुम्हें सब समझा देती हूँ। मेरे मेहर बांट लेकर के दरवाजे पर बैठे जितनों जितनों माखन तुम्हारो आज तक खाए हो ना वो सब हिसाब करके ले जाएगा। लेकिन देखो मेरे लाला के लिए बुरी भली बात मत करियो तुम क्योंकि मुझे चौथी अवस्था में मिला है और बड़ा सुंदर कहा आज इसने। काना की कोशना सुन के करे जा माही बालक है काना है कहां कर आयो है मोसु कहो पोटिन कछु न कहो बालक सु कैसे दुख झेल झेल बड़ो कर पायो है। बड़ी मुश्किल से बड़ा कर पाई हूं मैं इसे। माखन के बाट लगे द्वार पे महर बैठे डोल बोल ले ओ वीर जाको जितनो खायो है ले जाओ और सुनो आगे कभी आओ ना तो इसे रंगे हाथों पकड़ के लाना बाद में शिकायत नहीं सुनूंगी। अगर ये चोरी करता है तो रंगे हाथों पकड़ लिया करो लेकर आया करो मेरे पास। एक नई गोपी आई थी उसी समय पाने को हम चल के देखेंगे सुधा मैया के यहाँ लाला को कहा है भीड़ में आई थी वान कही पकड़ के लाओगी तब मानूंगी चोरी करता है तो वह